नमस्कार दोस्तों, टेक युक्ति में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप फ्यूचर में कोई पुरानी गाड़ी या कार या बाइक लेना चाहते हैं, और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बाइक या कार पुराने चीज़ों को कैसे परचेज करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं उसमें, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल हो सकता है। क्योंकि इसमें मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आप सभी को बता देगा कि किसी भी पुराने गाड़ी का प्राइस, एक्चुअल प्राइस कितना होगा और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी कंडीशन में होंगी। तो यह बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारे पास एक्सपर्ट नहीं होते हैं जो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जाने, जैसे कि कार आप कोई लेने वाले हैं तो उसके बारे में कोई एक्सपर्ट ही अच्छे से बता सकता है, बट बहुत बार नहीं होते हैं हमारे पास कि उस चीज़ों के बारे में अच्छे से बता सकें। तो ऐसे में यह वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प कर सकता है और आप पता कर सकते हैं कि इस कार और बाइक का कीमत क्या होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया तो उसके साइड में जो घंटा दिया गया है उसको बजा दें, क्योंकि उसी से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ऑरेंज बुक वैल्यू नाम का एक वेबसाइट है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, और यह पूरा इंडियन वेब से हम पता कर सकते हैं कि किसी भी, मतलब जो हम कार या बाइक खरीद रहे हैं पुरानी चीज़ों को, उसका जो एक्चुअल कीमत है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हूँ, इसका नाम है orangebookvalue.com। यहाँ पे देखिए आपको छोटा सा एक बॉक्स दिखाई देगा और यहाँ पे लिखा है यूज विसेल प्राइसिंग कैलकुलेटर, मतलब जो कि चले हुए गाड़ियाँ और उनके बारे में ये बताता है, उनके प्राइस को कैलकुलेट करता है। और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया गया, आई वांट टू बाई, आई वांट टू सेल। अगर आप बेचना चाहते हैं तो यहाँ से उसका मतलब प्राइस पता कर सकते हैं कि उसका मार्केट प्राइस क्या है, उस हिसाब से आप बेच सकते हैं। और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आई वांट टू बाई पे क्लिक करके आप उसको खरीद सकते हैं और पता कर सकते हैं उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। और यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, एक है फ्रॉम इंडिविजुअल फ्रॉम डीलर। फ्रॉम इंडिविजुअल का मतलब अगर आप डायरेक्ट किसी से कांटेक्ट करते हैं और आप उससे परचेज करते हैं तो, और अगर या फिर बहुत सारे डीलर होते हैं जो पुरानी ओल्ड गाड़ियों को बेचते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो उसमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। वेबसाइट अपने आप से आपसे समझ जाएगा कि आपने जो डीलर सेट किया है तो डीलर से क्या किस तरह का प्राइजिंग सेट करना है, और इंडिविजुअल सेट किया तो इंडिविजुअल का क्या प्राइजिंग सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि सपोज मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि मतलब आप क्या लेना चाहते हैं, कार, बाइक या फिर स्कूटर या फिर प्लेन या फिर बाइसाइकिल, जो भी लेना चाहते हैं आप। तो यहाँ से मैं बाइक या मोटरसाइकिल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेक का मतलब है जो भी कंपनी है उसने उसको बनाया है, जो भी जिस कंपनी ने बनाया है, तो मैं यहाँ पे बजाज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है मॉडल, मॉडल में क्या है उस कार का या बाइक का जो मॉडल है वो भरना है, जैसे कि RS, मुझे RS 200 लेना है तो मैं RS 200 यहाँ पे फिल करूंगा। उसके बाद ईयर, ईयर मतलब उस जो आप बाइक या कार खरीदने वाले हैं जो पुराना है वो किस ईयर में बना था, ये तो आप सभी को जनरली अगर आप पूछेंगे उससे तो बताएगा कि मतलब ये 2003 मॉडल है, 4 मॉडल है, 10 मॉडल है, 15 मॉडल है, ये है। तो यहाँ पे मैं 2015 मॉडल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ट्रिम का क्या मतलब होता है, ट्रिम में देखिए बहुत सारे फीचर्स ऐड होते हैं, बहुत सारे ट्रिम होते हैं। ट्रिम बेसिकली 3 लेवल का होता है, और एक में तो जनरल नॉलेज जनरल होते हैं जैसे कि हैंडल, बैग, कवर, ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरे में क्या होता है जो थोड़ा जो यूजफुल फीचर्स होते हैं, जैसे कि बाइक में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो गया, फिर सेल्फ स्टार्ट हो गया, और फिर उनमें कितने सीसी का है, तो इस फीचर से डिवाइड किया जाता है। तो इसमें सबसे मशहूर जो इसका फीचर्स है वो है 200 सीसी, और इसे RS 200 के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह का ये फीचर्स है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है KMS ड्राइवन, मतलब यह कितने किलोमीटर तक चल सका है। अगर आप जिसका बाइक ले रहे हैं उससे पूछें कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर तक चल सकी, चल चुकी है पहले से ही, तो वहाँ पे उतना आप सेट कर दें। जैसे कि सपोज मैं लेता हूँ, मेरे लिए मान लीजिए 1.5 लाख किलोमीटर चल चुका है, तो यहाँ से मैं 1.5 लाख किलोमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए इसका प्राइस ये बता रहा है कि 96,000 से लेके 1,02,000 तक ये लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पे देखिए गुड आया है और यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा है। यहाँ पे देखिए नीचे इसका जो बॉडी यानी फ्रेम है वो गुड कंडीशन में है, ब्रेक्स हैं वो भी अच्छे कंडीशन में है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो हैं, जो भी यूज हैं इसमें, वो भी अच्छे कंडीशन में है, इंजन वो भी अच्छे कंडीशन में है, एक्सीलेंट या गुड, वेरी गुड तो नहीं लेकिन अच्छे कंडीशन में है, सस्पेंशन ये भी सही है, ट्रांसमिशन ये भी सही है, और जो इसका व्हील एंड टायर्स है वो भी अच्छे कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि बाइक केवल 2 साल पुरानी है और 1.5 लाख किलोमीटर चली है, तो ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहेगा। ये देखिए यहाँ से आपको प्राइस भी पता चल गया। अब इस प्राइस को क्या करना है, जैसे कि आपको पता चल गया कि एक रेंज पता चल गया कि इतने से इतने रेंज तक ये बाइक मेरे लिए सही रहेगा या कार सही रहेगा। अब आप सामने वाला जो बेच रहा है वो बायर, वो आपसे मतलब जो सेलर है वो आपसे कितना प्राइस बता रहा है, उस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं
कि हाँ मैं अगर इतने के अंदर मुझे मिला तो मेरे लिए बेनिफिट है, नहीं तो ये सही नहीं है, इसके लिए आपसे किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत आसानी के साथ ले सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है जब एक्सपर्ट के पास जाते हैं पूछने तो कुछ कमीशंस मांगते हैं और कुछ पैसे मांगते हैं, और इससे आप इससे बहुत आसानी से बच सकते हैं। यह मैं मुंबई का रेट बता रहा हूँ जो कि मेरा लोकेशन है मुंबई, तो यहाँ पे यह रेट बता रहा है। अगर आप अपने लोकेशन के हिसाब से सेलेक्ट करके चूज करेंगे तो वहाँ के हिसाब से वो बताएगा, बहुत जगह पे कम बताएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो इसलिए ऐसा बता रहा है रेट यहाँ पे काम क्या है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा है वेबसाइट, वो क्या नाम है, ऑरेंज बुक वैल्यू, आप सभी एक बार ज़रूर विजिट करें और इसे देखें कि आप सभी को ज़रूर यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ से। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ट्रिक नए टिप्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।